मैंने इंडियन आइडल में अपना नाम तो दे दिया है, पर मेरा सुर तो कौवे जैसा है। अभी मैं अपनी जहरीली सुर आप सब लोग को सुनाना चाहती हूँ। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ा के मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? कौन था? ए बस बे, फोटो मत खींच। साले बी क्लास कैटेगरी के सी क्लास लोग। मैं इंडियन आइडल में तो जा चुकी हूँ, पर उधर का कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। बहुत बहुत अच्छे सिंगर्स आएंगे, मेरे से अच्छे आएंगे तो मुझे पता नहीं। मैं रानू मंडल से बहुत अच्छे से सीख के आई हूँ, उनके साथ मैंने भी रोड पर ही सीखा है। अभी सब जज के हाथों में है, उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया तो ठीक है, वरना उधर ही एक लाफा मार दूंगी। उसमें विशाल को भी, सारी फिल्में भी फ्लॉप हो चुकी है। जैसे आपने मेरी पहली वीडियो में देखा कि कबीर की चड्डी यहाँ पर खो गई है, उसका इंजाम है कि मेरे ऊपर कि मैंने उसकी चड्डी ले ली। मतलब लोग कुछ भी कहेंगे, मैं उसकी चड्डी लेके क्या करूँगी? अभी मेरे को तो इंडियन आइडल में अपना फ्यूचर दिख रहा है। मैं यहाँ पर सुर लगाऊंगी, तार लगाऊंगी, सब कुछ लगाऊंगी, पर इंडियन आइडल जीत के रहूंगी। अभी मैं परफॉर्मेंस देने के लिए जा रही हूँ, बहुत डर सा लग रहा है। रानू मंडल की जय हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना ऑडिशन आप सब लोगों को दिखा दूंगी।